बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम समाज सुधार आंदोलन का सेकंड पार्ट देखेंगे। एक पार्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। समाज सुधार आंदोलन से हर पेपर में 2 से 4 प्रश्न पक्के आते हैं, तो ये 2 वीडियो अब मैंने कंप्लीट एनालिसिस के बाद बनाए हैं। यहाँ से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, तो आप वीडियो पूरा देखें और सही से नोट डाउन कर लें और समझें, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई थी। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी, ये 2 कथन है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन है कथन 1 सही है, और दूसरा ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी है कथन 2 सही है, ऑप्शन D है इनमें से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में ही की गई थी, और गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। तो ये दोनों ही कथन एकदम सही हैं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर B, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन B। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन A है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन B गांधी जी, ऑप्शन C ज्योतिबा फुले, ऑप्शन D राजा राम मोहन राय। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की थी डॉक्टर अंबेडकर ने, तो ऑप्शन A इसका सही आंसर है। इससे पहला वाला था अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, तो वहाँ भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है अंबेडकर जी का नाम देख के, क्योंकि सबको लगेगा कि अंबेडकर जी ने स्थापना की थी और इससे पहले पूछा भी गया है। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जाति महासंघ का, और अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना का प्रश्न आए तो गांधी जी ने की थी। तो अगला प्रश्न है, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो आत्मसम्मान आंदोलन है इसके प्रणेता कौन थे ये बताना है। ऑप्शन A है ईवी रामा स्वामी नायकर, ऑप्शन B श्री नारायण गुरु, ऑप्शन C साधारण अयप्पन। तो आत्म सम्मान आंदोलन के प्रणेता थे ए वी रामा स्वामी नायकर, ये आत्म सम्मान आंदोलन के प्रणेता थे। अगला प्रश्न है, समस्त मानव जाति के लिए एक ही ईश्वर, एक ही जाति, एक ही धर्म है, यह कथन किसका है। तो ऐसा किसने बोला था ये आपको बताना है। ऑप्शन A है श्री नारायण गुरु, ऑप्शन B साधारण अयप्पन, ऑप्शन C अंबेडकर, और ऑप्शन D गांधी जी। तो ये कथन है श्री नारायण गुरु जी का, ऑप्शन A इसका सही आंसर है। और एक दूसरा कथन भी है कि समस्त मानव जाति के लिए कोई ईश्वर नहीं, कोई जाति नहीं और कोई धर्म नहीं, तो यह कथन बोला था साधारण अयप्पन। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 इसकी स्थापना 1905 में की गई थी, और कथन 2 गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। तो ऑप्शन A है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन B है 1 कथन सही है, ऑप्शन C है कथन 2 सही है, ऑप्शन D इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन A, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी, और गोपाल कृष्ण गोखले इसके संस्थापक थे। यह PCS 2016 में पूछा गया था प्रश्न। अगला प्रश्न है, सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन A है नारायण मल्लहार जोशी, ऑप्शन B गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन C स्वामी विवेकानंद, और ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे नारायण मल्लहार जोशी, ऑप्शन A इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1993 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा को संबोधित किया। कथन 2 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन A है कथन 2 सही है, ऑप्शन B है कथन 1 सही है, ऑप्शन C कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन D कोई भी सही नहीं है। तो ये दोनों ही एकदम सही हैं। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सभा को संबोधित किया था, और वहाँ से वापस आने के बाद 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन C, 1 और 2 दोनों सही हैं।
अगला प्रश्न है, आर्य समाज के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। कथन दो, आर्य समाज एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। और कथन तीन, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचना है। तो पहला एकदम सही, 1875 में बंबई में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और दूसरा कथन भी सही, आर्य समाज एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। और कथन तीन भी सही है, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की प्रमुख रचना है। तो इसमें तीनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, एक दो और तीन सही है। अगला प्रश्न है, सेवा सदन की स्थापना बी एम मालावारी द्वारा कब की गई थी। बी एम मालावारी एक पारसी समाज सुधारक थे और ये महाराष्ट्र में सक्रिय थे। तो ऑप्शन ए आपका 1885, ऑप्शन बी 1886, ऑप्शन सी 1887 और ऑप्शन डी 1889। तो सेवा सदन की स्थापना 1885 में की गई थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना का विचार किस आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, ऑप्शन बी आर्य समाज, ऑप्शन सी देव समाज और ऑप्शन डी सेवा सदन। तो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूलों की स्थापना का जो विचार है वो आर्य समाज से संबंधित है। और पहला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला गया था लाहौर में। अगला प्रश्न, देव समाज की स्थापना 1887 में किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन बी राधाकांत देव और ऑप्शन सी बी एम मालावारी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देव समाज के संस्थापक कौन है ये बताना है। तो ऑप्शन ए तो आपका है शिव नारायण अग्निहोत्री। तो यही आपका आंसर सही है, शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, 1830 में बनी संस्था धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन ए शिव नारायण अग्निहोत्री, ऑप्शन बी राधाकांत देव, ऑप्शन सी बी एम मालाबारी, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो 1830 में बनी संस्था धर्म सभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। अगला प्रश्न, राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत शिव दयाल साहब ने की थी। और दूसरा कथन है, अरबीपुरम आंदोलन केरल में श्री नारायण गुरु ने शुरू किया था। तो ये दो दो कथन हैं, इन पे आपको विचार करना है इसमें कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए है एक सही है, ऑप्शन बी है दो सही है, ऑप्शन सी एक और दो दो सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। राधा स्वामी आंदोलन की शुरुआत शिव दयाल साहब ने की थी और अरबीपुरम आंदोलन केरल में श्री नारायण गुरु ने ही शुरू किया था। बहावी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए सैयद अहमद बरेलवी, ऑप्शन बी टीटू मीर, ऑप्शन सी शरीयत अल्लाह, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो बहावी आंदोलन की शुरुआत की थी सैयद अहमद बरेलवी ने। तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया। ऑप्शन ए मिर्जा गुलाम अहमद, ऑप्शन बी दादू मियाँ, ऑप्शन सी शरीयत अल्लाह, ऑप्शन डी टीटू मीर। तो अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी मिर्जा गुलाम अहमद ने, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, सर सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन की शुरुआत की। और दूसरा कथन है, 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ऑप्शन ए कथन एक सही है, ऑप्शन बी कथन दो सही है, ऑप्शन सी कोई भी कथन सही नहीं है और ऑप्शन डी दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, दोनों ही कथन सही हैं। सर सैयद अहमद खान ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी और 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, रहनुमाई माजदाय स्नान सभा का गठन 1851 में किया गया। और कथन दो, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे, उन्होंने रास्तागार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो ऑप्शन ए है कथन एक सही है, ऑप्शन बी कथन दो सही है, ऑप्शन सी दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। रहनुमाई माजदाई स्नान सभा का गठन 1851 में दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। ये पारसी समाज सुधारक थे और बहुत बड़े लीडर थे और ये प्रमुख
प्रमुख आंदोलन था पारसी समाज सुधार में। उन्होंने रास्ता गोफ्तार नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। अगला प्रश्न है, पंजाब में सिंह सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन ए 1873, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1874, ऑप्शन डी 1876। तो पंजाब में सिंह सभा की स्थापना की गई थी 1873 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मैडम ए कथन एक है, अच्छा प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैडम एच ब्लावेट्स्की एवं कर्नल एम एस ऑलकॉट ने इसकी स्थापना की थी। और दूसरा कथन 1875 में अमेरिका में इसकी स्थापना की गई और 1882 में मद्रास में इसका मुख्यालय बनाया गया। तो ऑप्शन ए कथन एक सही है, ऑप्शन दो कथन दो सही है, ऑप्शन सी दोनों ही सही है, ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं है। तो राइट आंसर है इसका, दोनों ही कथन एकदम सही हैं। मैडम एच ब्लावेट्स्की एवं कर्नल एम एस ऑलकॉट ने इसकी स्थापना की थी 1875 में अमेरिका में, किंतु इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में अडयार में बनाया गया था 1882 में। अगला प्रश्न है, नदावा ताल उलमा एवं दारुल उलूम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी कानपुर। तो नदवा ताल उलम तथा दारुल उलूम की स्थापना लखनऊ में की गई थी। तो ये संपूर्ण समाज सुधार आंदोलन के MCQ हो गए दो वीडियो में, इसी में से आपके प्रश्न आ जाएंगे पक्का। तो आप चैनल को शेयर